मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं ये चित्राल आ रहा हूँ और ये जो हमारा स्क्रीनिंग पॉइंट है आज इन्होंने मेरी भी स्क्रीनिंग की है बहसियत कमिश्नर मलाकंड डिवीजन। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इधर जो भी चित्राल में आएगा उसकी स्क्रीनिंग होगी बशमूल मेरे। तो आज मेरी आप लोगों ने स्क्रीनिंग की है और मुझे क्लियर कर दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चित्राल के लोग बहादुर लोग हैं, इज्जत और कदर वाले लोग हैं और हुकूमत के अहकामात और कवानीन के पासदार लोग हैं। इसी वजह से है कि चित्राल के दोनों अजलाम में अभी तक कोरोना का कोई केस नहीं आया। इंतज़ामिया हुकूमत के अहकामात के साथ चित्राल के लोग भरपूर दावण कर रहे हैं और यही वजह है और हमने दुनिया को दिखाना है कि चित्राल के लोग नज़्म व ज़ब्त वाले लोग हैं, हुकूमत के अहकामात मानने वाले लोग हैं, पुरअमन लोग हैं और ये तफरी मकाम है और ये अपने दुनिया को दिखाना है। देखें कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसकी अभी तक कोई दवाई कोई इंजेक्शन अभी तक दस्तयाब नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन चाइना में ने अगर कामयाबी हासिल की है तो उसकी सिर्फ ये वजह थी कि उनके लोगों में डिसिप्लिन था, नज्म व ज़ब्त था और उन्होंने हुकूमत के अहकामात माने। उन्होंने पूरे के पूरे शहर आइसोलेट कर दिए, दूसरे मुल्क से जुदा कर दिए, यही वजह है कि वो कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर पाए। जबकि अगर आप यूरोप में देखें जो कि नाकामी की मिसाल है, अमेरिका में देखें, वो लोगों को एहतियाती तदाबीर लोगों ने नहीं अपनाए। और इसी तरीके से मेरी पूरे पाकिस्तान के आवाम से, मलाकंड डिवीजन के आवाम से, बस हमारे खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से अपील है कि वो बराए मेहरबानी हुकूमत के अहकामात माने, ऐसे माने जैसे चित्राल के लोग मान रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, मैं इनको शाबाशी देता हूँ, चित्राल डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, चित्राल के लोगों को, कि उन्होंने जो नज़्म व ज़ब्त किया है इसलिए अपने घरों तक अपने आप को महदूद रखा है। यही वजह है कि अभी तक चित्राल में कोरोना नहीं आया और इंशाल्लाह अगर आप हुकूमत और आवाम का इस तरीके से ताउन जारी रहा तो कोरोना चित्राल में कभी भी नहीं आ सकता इंशाल्लाह। अब रश नोस ये भाई।